Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से world's most satisfying game खेलने जा रहे हैं, जिसका नाम है Power Wash Simulator. Yes, ये वही game है जिसमें हमें एक पाइप पकड़ के अलग अलग जगह की धुलाई करनी होती है, कभी कार की कभी घर की, और उन सब जगह को पूरा क्लीन करना होता है. और इस काम के में मिलते हैं बहुत सारे पैसे, तो क्या दिक्कत आ रही है. Let's go, चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन पे. बट हाँ, मिशन पे जाने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे रेड कलर का प्यारा सा बटन आ रहा है, उसको भी जाके इसे पानी मार के धो और सब्सक्राइब कर दो. वेल, तो आज हम लोग क्लीन करने वाले हैं एक विंटेज कार को, जो कि पुराने होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गंदी भी है. ऐसा लग रहा है इसे देख के कि जैसे 10-15 साल से इसे किसी कीचड़ में डुबो के खड़ा कर रखा हो. और गंदगी देखो भाई, इसके चारों तरफ भर के है. यहाँ पर कैट के फुटप्रिंट्स वगैरह अच्छे से दिख रहे, उतना एरिया साफ हो गया है. और कोई लिख कर गया हुआ है यहाँ पर वॉश में. इसको मिटाओ भैंस की, अभी धुलाई शुरू कर रहे हैं. खैर ठीक है गाइस, अभी बातें बहुत होगी, फटाफट से इस कार को प्रॉपर वॉश करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी क्लीन करने के लिए जाना है. तो मेरे पास आप देख पा रहे हो जो वॉशर है ना, ये कुछ इस टाइप का है. इसमें कुछ इस टाइप का एक और नोजल है, जिससे हम लोग कुछ बारीक पार्ट को ऐसे गोल गोल घुमा के भी सफाई कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर एरिया क्लीन करने वाला है. इसमें एक लिक्विड लगता है, कुछ शैम्पू टाइप. ये थोड़ा सा ऐसे में स्प्रेड होकर कुछ ये वाला है एक, और एक ये वाला है, और यही अपना सिंपल पुराने वाला. चार पांच टाइप के अलग अलग नोजल है, स्प्रेड होके भी काम करते हैं. बट हाँ, जब पानी स्प्रेड होगा तो फिर क्लीनिंग ढंग से नहीं होती है. बाकी यार सब्सक्राइब कर देना, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ एकदम मस्त सब्सक्राइब के लिए पहले से ही. ठीक है, सब इतना लिख दिए, बटन दबा दो. छोड़ो छोड़ो, अभी ज्यादा हो गया, फटाफट से ना यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं. और एक सेकेंड, मेरे पास इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया मशीन्स हैं इसको वॉश करने के लिए, मैं सिंपल वाले क्यों यूज कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पर ना अभी एक सोप नोजल लगा दिया है, और अब देखना भाई कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लीनिंग होने वाली है इस गाड़ी की. वेट, मैं चेक करता हूँ. ये भले ही देखो थोड़ा बहुत स्प्रेड होके काम तो कर रही है, बट क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है गाड़ी की. मतलब थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो भी रही है, और कह सकते हैं नहीं भी हो रही, क्योंकि जिस एरिया में क्लीनिंग हो जाती है ना, जैसे कि मान लो मैंने इधर क्लीनिंग कर दी, ये एरिया पे अभी भी थोड़ा बहुत डस्ट है. और अच्छे से क्लीन करते हैं इसे एक बारी. तो फाइनल कुछ ऐसा होने वाला है. वहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का आप देख पा रहे हो ग्लो, ये चले जाएगा जहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी. एक काम करते हैं, आधी गाड़ी को क्लीन करते हैं, आधी को नॉर्मल छोड़ेंगे, और देखते हैं कितना अंतर आ रहा है गाड़ी क्लीन होने के बाद. यहाँ पर नीचे कुछ तो ये रस्ट है यार, ये कैसे क्लीन होगा. वेट, मैं ये मार के देखूँ क्या. नहीं यार, ये पुरानी कार है. हो गया, नाइस नाइस. ये देखो, इससे हो रहा है. हम लोग प्रेशर देके करेंगे ना, तो शायद अपना काम हो जाएगा. नाइस, यहाँ पर लाइट्स वगैरह सारी एकदम मस्त क्लीन हो जाएगा. पानी अंदर डाल डाल के सफाई करेंगे. ओह वेट, गाड़ी में चमक आती हुई, फ्रंट साइड अलग ही दिख रही है. ये जो छोटे मोटे पार्ट है ना, इन सब के लिए अपना इस तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए. बाकी जो थोड़ा स्प्रेड वाला एरिया है, वहां पे मैं ये ग्रीन वाला नोजल यूज करूंगा, और ये थोड़ा सा स्प्रेड होके भी काम करता है, और अच्छा खासा प्रेशर भी रहता है. गाड़ी का टायर चमका के देखता हूँ कि आखिरकार चमकने के बाद टायर में कैसी लुक आने वाली है. ये देखो, बीच का ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें बहुत सारा रस्ट है. मैं इसमें येलो वाला मारता हूँ. येलो में क्या है ना कि प्रेशर भी अच्छा. ओ वेट, येलो से नहीं हो रहा, ये प्रॉपर प्रेशर जाएगा इसमें, वो भी विदाउट नोजल करते हैं. घूम घूम के चलेगा ना, अच्छे से सफाई होगी. ओके, टायर चमकते हुए मस्त. अंदर का जो रिम है वो कंप्लीट हो गया है. अब बस जो टायर है वो रह रहा है, उसको भी कंप्लीट कर दिया समझ लो ऑलमोस्ट मैंने. शायद बैक साइड नहीं, बैक साइड भी कोई गंदगी नहीं है. टायर हो गया मान लो. वैसे गाइस एक चीज मैंने नोटिस नहीं करी, अगर यहाँ पर मैं जो लिक्विड है उसको मेटल वाला कर दूंगा ना, क्योंकि गाड़ी मेटल की है, और मैं लिक्विड डाल रहा हूँ उसमें वुड वाला, तो शायद अब मेटल बहुत अच्छे से क्लीन होने वाला है. ये देखो भाई, तुरंत ही क्लीन हो रहा है. नाइस, ये चीज मुझे पहले मैंने ध्यान नहीं दी. बाकी ये जो ऊपर है ना, ये क्लोथ है, शायद ये नहीं होगा. सिर्फ मेटल फास्ट फास्ट क्लीन होने वाला है अगर मैंने मेटल का लिक्विड डाला है तो. ओ भाई, पूरी गाड़ी बहुत जल्दी क्लीन हो गई अब तो. मतलब टच करते चीज क्लीन होते जा रही है सीधा. वैसे अगर देखा जाए, अभी मैंने गाड़ी काफी अच्छी खासी क्लीन कर दी है, बट पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है. जो कॉर्नर वाले पार्ट्स है ना, इससे हैंडल वाला एरिया जहां पर पानी सही से नहीं जा रहा, वहां पर मुझे ये वाला नोजल लगा के मारना है, ताकि एक एक कोना कोना क्लीन हो जाए इस गाड़ी का. ये देखो, ये सारे कॉर्नर्स रह रहे हैं. अभी इसको फटाफट क्लीन करते हैं. आगे वाली साइड पे भी काफी कुछ रह गया है, यहाँ पर भी अच्छे से एक बारी पानी मारना होगा. अब एक काम करते हैं, गाड़ी में ना आधी लाइन डालते हैं, क्योंकि हम लोग उस साइड का एरिया क्लीन नहीं करने वाले, वो एक ही बार में बाद में होगा. ठीक है ना, अब लगाते हैं येलो नोजल, और फटाफट से जो लाइन डाली है ना, उसके लेफ्ट साइड का एरिया क्लीन करते हैं ऊपर से चल के. ये सीधा भाई, कितनी ज्यादा गंदगी थी ऊपर.
और देखो क्या मस्त चमक रही है गाड़ी। ये भले यार बहुत पुरानी कार हो लेकिन है बहुत अच्छी कंडीशन में। विंडो के जितने भी कॉर्नर वाले पार्ट है ना वो सारे के सारे यार क्लीन करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है। बाकी विंडो क्लीनर के लिए ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पर एक कुछ ग्लास वाला है क्या। ओ ये रहा ग्लास क्लीनर, मुझे ये लगाना चाहिए था। अब देखो जैसे गंदगी है ना मैं नॉर्मली कर रहा हूँ बहुत स्लो हो रही है, मतलब पानी डालने के बाद भी सारी गंदगी रह जा रही है, बट शायद अब तुरंत होगी। ओ ये देखो यार मुझे ये करना चाहिए था, बहुत टाइम बच जाता मेरा। अब सारे के सारे ग्लास फटाफट क्लीन हो भी गए। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाड़ी आधी क्लीन हो चुकी है। इधर से देखोगे ना तो ऐसा लगे एकदम नई कार आकर खड़ी हुई है। बट इसके अपोजिट साइड से मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी वैसी की वैसी है, बस मैंने यहाँ पर सब लिखा था। बट अभी मैं कार को बहुत तेज क्लीन करने वाला हूँ क्योंकि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने जो लिक्विड लगाया है ये वाला लिक्विड है ग्लास क्लीन करने के लिए। तो तुरंत ही यहाँ पर सारे के सारे ग्लास जो है ना पहले वो क्लीन करता हूँ ताकि एक काम निपटे। ये वाला ग्लास हो गया, बैक साइड वाला ग्लास है ये भी हो गया, एक आध मिरर है ये भी ग्लास में काउंट हो गया फटाफट से। नहीं मिरर नहीं हो रहे, मिरर को नॉर्मली करते हैं। अब बचा है गाड़ी में मेटल, तो फटाफट से ना मुझे यहाँ पर मेटल वाला ये लगाना पड़ेगा यहाँ पर शैम्पू। और अब देखो सारा का सारा मेटल कुछ ही सेकंड्स में क्लीन होता चले जाएगा। बाय द वे शैम्पू का लिक्विड खत्म हो गया, उसे रिफिल करते हैं और अब क्लीन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो सारे के सारे पार्ट्स क्या मस्त क्लीन होते जा रहे हैं यार। ये पूरी गाड़ी चमक गई है इस तरफ से भी। वैसे गाइस इस तरीके से क्लीन करने में ना जो कॉर्नर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ना रह जाते हैं, मतलब पानी स्प्रेड होकर तो जा रहा है हर जगह बट अच्छे प्रेशर के साथ नहीं जा रहा, तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि गंदगी क्लीन नहीं हो रही है एट द एंड। बाकी गाड़ी देखो चमक चुकी है, तो मैं काम करूंगा पूरी गाड़ी क्लीन कर दूंगा, उसके बाद कॉर्नर्स को एंड में आराम से करेंगे। चलो भाई चलो 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 अच्छे से सफाई हो गई है। अब मेरे को ना एक अरे तेरी फक पैस की टंग पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हाँ मेरे को ये चेंज करना था, एक हम मल्टीपर्पज क्लीनर वुड स्टोन मेटल प्लास्टिक ग्लास, मेरे को मल्टीपर्पज वाला चाहिए होगा क्योंकि जो रबड़ है उसका ऑप्शन है नहीं और जो टायर है सारे रबर हैं, तो मेरे को ये क्लीन करने के लिए मल्टीपर्पज वाला ही नोजल मतलब शैम्पू लगाना पड़ेगा। ओ गाड़ी की रूफ तो मैंने देखी नहीं, फटाफट से इसे क्लीन करते हैं। और भाई क्या मस्त क्लीन हो रही है, पता भी नहीं चल रहा। नहीं नहीं पता चल रहा है क्लीन होते हुए, बट टाइम का नहीं पता चल रहा कितनी जल्दी क्लीन हो जा रही है। रिफिल रिक्विड बहुत तेज खत्म हो रहा है अभी यार सारा। यार ये वाली जो रोड है ना ये सच्ची में बहुत तंग करती है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे ये यूज करना ही पड़ता है वरना बहुत टाइम लग जाएगा सही में। मतलब जितने कॉर्नर्स है ना वो इसके बिना समझ लो कंप्लीट होते ही नहीं है, सब में इसका यूज है ही। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये एरिया क्लीन हो गया बट यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ जाएगी, अब कंप्लीट हुआ। राइट साइड तो यार पूरी की पूरी ओके है बट यहाँ पर सारे की सारी जो चीजें है ना कॉर्नर पार्ट ये सारे रह रहे हैं। इधर तो एक बारी ना मेटल क्लीनर ही लगने वाला है क्योंकि बहुत सारा एरिया रह रहा है, मैंने देखा ही नहीं था। ऊपर चढ़ चढ़ के साफ करूंगा, एक मिनट रुकना जरा। हाँ यहाँ पर जाएगा बहुत सारा। ओके रिफिल करा इसको, इसके अंदर भी कितनी गंदगी यार, ये तो दिखी ही नहीं थी उस टाइम। देखो अभी तक हम लोग खड़े होके और बैठ के काम कर रहे थे बट अब बचा है काम सारा लेट के करने वाला। ये देखो लेट रहो ना तो यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ गंदगी छोटी मोटी नजर आ रही है जो जिसकी वजह से कुछ कुछ पार्ट इनकम्प्लीट है। वैसे गाइस 98% क्लीनिंग हो चुकी है, कुछ कुछ एरिया ही रह गए थे जैसे कि ये वाला मिरर रह रहा था ये मैंने कर दिया है, अभी भी 98% ही है। कहाँ रह गई गंदगी, हेलो लेट के देखो क्या। नहीं ओ टायर भाई एक मिनट, मल्टीपर्पज वाला लगाया और अब पड़ेगी भाई बारिश। ओके आगे वाला टायर भी रह रहा है, फटाफट से इसको भी मैं क्लीन करता हूँ अच्छे से। भाई सब काम करते करते 99% हो चुका है लेकिन कुछ कुछ एरिया इतने जिद्दी है ना, देखो ये अभी भी रह रहे हैं। कोई नहीं यहाँ पर हल्का सा एक काम करना है ये हो जाएगा कम्प्लीट डन। अभी कुछ रह रहा है क्या, अभी भी 99% है, कहीं तो गंदगी है। ओ वेट 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 ये देखो ये छोटे मोटे पार्ट भी रह गई है सारी, यहाँ पर कर देता हूँ इसको क्लीन। हो गया क्या, अरे ओ फाइनली हुआ। यहाँ पर ऊपर वाली जो रोड है रबड़ ये रह गए, इसको भी कर देता हूँ पूरा डन। अभी कुछ दिख ही नहीं रहा बट रह रहा है। ओ बोनट रह रहा है भाई भाई भाई, कोने कोने से रह रहा है ये सारा, लेफ्ट से भी रह रहा होगा फिर तो। यस ओ फाइनली ये भी हुआ, टायर रह गए वाला कहीं से तो दिखा रहा है, रुको तो यहाँ से रह रहा था ये भी हो गया। भाई यार ये सही बदतमीजी है, पूरी गाड़ी वॉश कर दी लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा पार्ट रह गया और मैं खाली पीली लगा हुआ हूँ उसको वॉश करने में, पता नहीं दिख। ओ ये रह रहा है, ये रह रहा है, यहाँ पर कुछ दिखा मेरे को, ये देखो यहाँ पर हो रहा है ना डार्क थोड़ा। वेट इस पे ये मारते हैं वाले नोजल से, हुआ ये भी रह रहा होगा फिर तो। ओके छोटे मोटे बारीक बारीक पार्ट रह गए हैं, डोर हैंडल हॉर्न और विंग मिरर। ओके विंग मिरर शायद से यही वाला होगा यार, मेरे को देखने में तो ये लग रहा है बट पता नहीं। ओ ओ ओ तो अभी मेरे को दिखा रहा है क्या क्या रह रहा है, डोर हैंडल रह रहा है, कौन सा डोर हैंडल, मैंने चार यहाँ पर हैंडल्स हैं चारों के चारों तो कर दिए बट फिर भी एक बार। ओ ये रह रहा था, वेट ये हो गया हॉर्न रह रहा है,
हॉर्न 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 कहाँ पर है भाई? इसके अंदर गंदगी रह गई क्या? पूरा चमक रहा है भाई, मार देता हूँ एक बारी पानी। वैसे हॉर्न ये नहीं होगा इसका, ये हॉर्न है भाई। ओके हॉर्न भी हो गया, अब रह रहा है विंग मिरर। विंग मिरर ये वाला है क्या? ऊपर वाला, ये तो क्लीन था। नीचे वाला तो नहीं है विंग मिरर, यही हो सकता है क्लीन ना हो, देखने में तो लग रहा है क्लीन। ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता ये वाला रह रहा था यार। अब हो जाएगा, बस इधर से और मारना पानी। हो गया भाई, फाइनली हमने इस पूरी की पूरी गाड़ी को चमका दिया है। क्या थी, कैसे से कैसा इसको बना दिया गया है आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ज्यादा सही लग रही है भाई अभी। ऑल राइट, तो ये मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट जॉब पे, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। कॉज एक गाड़ी साफ करने में इतना ज्यादा टाइम चला गया, तो ये एक पूरा का पूरा प्ले ग्राउंड साफ करने में कितना टाइम जाने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर काफी सारे छोटे मोटे ये वाले झूले हैं, कुछ इस टाइप का एक झूला है जिसपे बच्चे लटक कर आगे बढ़ते हैं देन ऊपर नीचे उतरते हैं, ये स्लाइडिंग वाला है। इसके अंदर भी काफ़ी कुछ बना हुआ है, इसकी टॉप रूफ भी साफ करनी है। यहाँ पर एक ये डायनासोर वाली स्लाइडिंग है, उधर से ऐसे क्लाइम करके यूँ ऐसे क्लाइम करा और यूँ शो करके स्लाइड करके नीचे आने वाले, जो बचपन में हम खूब खेलते थे। और साथ के साथ फ्लोर मेरे को क्लीन लग रहा है, बट नहीं जहाँ जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ तो भाई पूरा गंदा ही है, तो ये पूरा का पूरा मुझे साफ करना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग एक फुटबॉल से करूँ? फुटबॉल साफ पड़ी थी ऐसे कि तैसी भाग यहाँ से। हाँ तो स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मैं कुछ भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, पूरा एरिया क्लीन करके ही जाएंगे। ठीक है मैं काम करता हूँ ना, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में वो साफ करते हैं, और मैं अच्छे से ना इन सब लिक्विड्स का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं ये लगा लूँ और ये जैसे प्लास्टिक मेरे को लग रहा है, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए तुरंत ही प्लास्टिक वाला क्लीनर लगा लूँगा ताकि ये तुरंत साफ हो जाए। जैसे मान लो मैंने ये करा और इसको साफ करने में कुछ ही देर लगेगी, और ये हो गया क्या? बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई है। क्या होता है ना, स्प्रेड होकर जब भी पानी जाता है तो वो नाइस हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगी। अब अगर मैं नॉर्मली एक और डस्टबिन यहाँ पर है उसको मैं इसके थ्रू वॉश करूँ मान लो, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं यहाँ से करता हुआ आऊँगा, ये करा उसके बाद यहाँ पर से भी पूरा क्लीन हुआ ये। और भाई इसमें टाइम जा रहा है, और थोड़ा बहुत उतना ही टाइम जा रहा है, भले ये छोटी चीज़ भी थी वैसे। तो फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये फ्लोर है, नहीं ये मेटल है, तो मेरे को मेटल क्लीनर लगाना है इसके अंदर। वैसे मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास और भी अगर कुछ हो तो। वैसे मेरे पास ना एक्सटेंशन तीन टाइप के हैं, एक है अर्बन एक्स U2 लॉन्ग एक्सटेंशन, इंप्रूव्स द रेंज ऑफ द वॉशर बट कैन नॉट बी यूज व्हेन क्लोज टू अ सरफेस। ओके ये रेंज बढ़ाने के लिए मैं दूर तक साफ कर पाऊंगा। ऐसी चमक आ जाते हैं ना भाई, मतलब कल ही ला के रखा हो जैसे इसको यहाँ पर। अच्छा भाई ठीक है, हमने यहाँ पर जो बेस है वो काफी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये वाला बेस और अरे लेट के जाना पड़ेगा यार, रुको दूर दूर तक फेंकता हूँ पानी आराम से यहाँ पर। नाइस अच्छे से क्लीन हो रहा है सारा। रिफिल करते हैं लिक्विड, और जो कॉर्नर्स है वो सारे रह गए हैं बाकी। ओए दूर हो, वेट मैंने एक काम करता हूँ अभी के लिए शॉर्ट वाली एक्सटेंशन लगा लेता हूँ, क्योंकि बार बार हैंड फोल्ड हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग क्लीनिंग कर नहीं पा रहे। शॉर्ट एक्सटेंशन लगते ही देखो सफाई होना स्टार्ट। ओ नाइस, तो फ्लोर पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। कुछ लाइंस जो यहाँ पर बीच में है ना, ये पता नहीं क्यों बना रखी है, इसकी वजह से ना इसके बीच बीच में देखो गंदगी रह गई। जैसे यहाँ पर एक लाइन है तो इसके बीच में, ओ ये वाली क्लीन है फिर भी, कहीं कहीं पर है जैसे सामने वाली में देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है, तो मेरे को ये अलग से पहले बाहर निकलना है, फिर ऐसे उठना है, फिर इसको साफ करना है, फिर लेट के आगे काम करना है, और ऊपर भी गंदगी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई नहीं, इसको तो मैं स्पीड में करने वाला हूँ, वैसे गोल गोल घूम के जो हो रही है सारी की सारी। रोड भी कर देता हूँ पहले राइट से। गाइस देखो अभी ना मैं कोई भी एरिया बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला हूँ, पूरा क्लीन करके चलूंगा, वरना लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम होगी। मैं ढूंढता रहूंगा एंड में कि आखिरकार गंदगी है कहाँ पे। जैसे अभी ये देखो ये जो राउंड अबाउट है ये कितना क्लीन, ये सारे कॉर्नर्स रह रहे हैं, वही मैं कहूँ यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है क्लीन नहीं हुआ है पूरा, तो यहाँ पर अभी मेरे को पानी मारना है। ओ भाई गंदगी देख रहे हो कितनी ज्यादा है हर एक कॉर्नर में। वैसे मेरे पास ना एक अच्छी चीज और है कि ये वाले जो वॉशर्स होते हैं ना, मैं इसको कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर सकता हूँ, ताकि जब मेरे को यूं क्लीनिंग करनी हो मैं यूं कर सकता हूँ, अदरवाइज यूं भी कर सकता हूँ। क्यों ना इसको दोनों करते हुए चले। मस्त होने वाला यार ये भी, एक जिगजैग स्टाइल। पता कर लो अच्छे से क्लीन हो रहा है या फिर, ओ चमक रहा है भाई पूरा। ओके चलते हैं इसके ऊपर फटाफट से, और यहाँ से क्लीनिंग, रुक जाओ मैं थोड़ा नोजल चेंज कर दूँ। नहीं यार थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, इसी तरीके से करते हैं एक ही बार में, देखो कितना भी हो पूरा अच्छे से क्लीन हो रहा है, बट जैसे ही मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको बढ़ाने के लिए, तो फिर क्लीनिंग का आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा। जैसे देखो यहाँ पर पानी डाला तो कभी कभी रह जा रहा है। कहने का मतलब एक ही जगह पे दो बारी पानी डालना पड़ रहा है क्लीनिंग के लिए। गाइस एक ही जगह को क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया देख रहे हो, बट ठीक है क्लीनिंग अच्छे से हो रही है। वो फाइनली
हम लोगों ने इस पूरे झूले को चमका दिया। इसके अगल बगल में देखो ये एरिया भी काउंट नहीं हो रहा। वैसे ये रबर है या फिर स्टोन है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार ना रुक जाओ, इसको क्लीन करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को लिक्विड लगाना है इसमें। मल्टीपर्पज तो काम करेगा ही करेगा, बट अगर एक्चुअल चीज पता चल जाए तो बहुत अच्छे से काम होगा। यहाँ पर कुछ और खाली नहीं, स्टोन वाला लगा के देखता हूँ, अगर अच्छे से काम हो रहा होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया। नहीं स्टोन नहीं है, स्टोन होता तो एक ही बार में हट जाता। डायन तो फिर मल्टीपर्पज लगाते हैं ताकि अच्छे से सफाई यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाए। ये देखो भाई चमक तो रहा है बहुत सही से। झूले के अगल बगल का सारा फ्लोर पहले चमका देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जगह के लिए। बाकी पीछे देख लेता हूँ हो रही है ना सफाई। हाँ यार इसमें यही प्रॉब्लम है, होती आती है बट कुछ कुछ एरिया रह जाते हैं। कोई बात नहीं, दो राउंड लगा देंगे सारा हो जाएगा। ओ डन 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 डन, इसके आसपास की तो सारी गंदगी मैंने हटा दी है। शायद ही कहीं पर रह रही होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये सारी गंदगी ढूंढना, क्योंकि एक एक पार्ट जब तक हम लोग साफ नहीं करेंगे तब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। कैटेगरी वाला झूला हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ इस डायनासोर को क्लीन करने, बट उससे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वुड वाला का चला गया वुड क्लीनर, इसको लगा के ना ये वाली जो चेयर है इसको साफ कर देता हूँ। बहुत छोटी सी चीज है, जल्दी हो जाएगी और अपना काम भी अच्छे खासी स्पीड में कंप्लीट होगा। नीचे से लेट लेट के सफाई करनी होगी इसकी तो पूरी यार। ओ तो फाइनली ये वाली जो चेयर है साफ हो चुकी है और बहुत अच्छी चमक गई है, इतना एरिया देखने में साफ लग रहा है। ओ डन डन डन, तो मुझे इसे साफ करना है। ये पूरा मेटल है आई थिंक, तो बहुत तेज क्लीन होने वाला है अगर मैं यहाँ पर मेटल क्लीनर लगाऊं और इसको सीधा क्लीन करना है स्टार्ट कर दूं। पहले बाहर वाली साइड, वेट ये मेटल नहीं है क्या? हेलो क्यों नहीं क्लीन हो रहा है तेज? ये लकड़ी तो नहीं है? यार नहीं ये मेटल है ही नहीं, बट होना तो मेटल ही चाहिए। देखो मेटल होता ना तो जितनी गंदगी है ना ये सारी एक बार में ही हट जाती, बट हट नहीं रही। ट्राई करता हूँ इसके अंदर मल्टीपर्पज, क्या पता ये तेज काम करे। अच्छा नहीं मल्टीपर्पज नहीं कर रहा। ये स्टोन का तो नहीं है फिर कहीं? वेट शायद स्टोन का ही हो। ओ शायद से, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे पता चल जाएगा। नहीं ये स्टोन भी नहीं है, प्लास्टिक हो सकता है मे बी। हाँ प्लास्टिक का लग भी रहा। ओ ये प्लास्टिक है, ये देखो कितनी तेज क्लीन हो रहा है। अब यहाँ पर जहाँ भी पानी मारा सारा एरिया साफ, जैसे कि ये वाला पार्ट है, अगर मैं यूं पानी कर दूँ इस पे ऐसे तो ये देखो सारा साफ हो गया। ये प्लास्टिक था भाई, नाइस अब बहुत तेज साफ हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो फटाफट से एक साइड को अच्छे से क्लीन करा, फिर दूसरी साइड को पूरा टॉप तक, फिर नीचे इसको करा फिल। मैं वही कहूँ अचानक से क्लीन होना बंद हो गया, पता चला लिक्विड ही खत्म था भाई। ओ तो अंदर वाली साइड पूरी क्लीन कर दी और क्या चमक निकल कर आई है भाई, लेट्स गो। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी थी, इसको चमकाता हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी कुछ कुछ एरिया रह गया। ये सारा हो जाएगा क्योंकि अब मैं एक्सटीरियर ही करने वाला हूँ पूरा। तो फाइनली ये वाला झूला जो है एकदम प्रॉपर क्लीन हो गया है। अब हम इजिली यहाँ से स्लाइड करके यहाँ से उतर सकते हैं, यहाँ से चढ़ के यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। बाकी ठीक है, इसके अगल बगल काफी ज्यादा गंदगी है जो कि मैं क्लीन कर ही रहा था, तो फटाफट से काम कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बाकी सारी गंदगी है इसको भी मैं क्लीन करना स्टार्ट करता हूँ। वैसे भी मैं ना स्प्रेड वाला नहीं यूज कर रहा लिक्विड लगा के, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना उसमें यार, कहीं कहीं पर ना ऐसे छोटे मोटे छींटे रह जाते हैं, बट अभी आप लोग देखोगे तो एकदम क्लीन हो रहा है प्रॉपर ऐसे लाइन से, कुछ भी मिस नहीं होने वाला कहीं पर भी। जहाँ ऐसा होता भी है थोड़ा बहुत, उधर मैं कुछ इस तरीके से टेढ़ा करके कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से और हो जाए, फिर उसके बाद नीचे भी कुछ इस तरीके से मार देता हूँ। अभी ना मैं एक चीज देख के बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ, मैंने ये वाला झूला पूरा क्लीन कर दिया, ये डायनासोर वाला झूला क्लीन कर दिया, डस्टबिन कर दिए, ये सारी की सारी चेयर्स क्लीन कर दी, बट अभी भी अपना काम 24% डन हुआ है, ये देख के हालत खराब हो गई। खैर ठीक है, ये बाकी सारा जो वुड का काम है ना इसे फटाफट से ना निपटाना स्टार्ट करता हूँ वुड क्लीनर लगा के, क्योंकि मेरे ये मेटल है ये वुड ही होगा शायद से, तभी एक ही बार में हो जा रहा है। ठीक है तो अभी फटाफट से इसको निपटाते हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, पूरा का पूरा मैट भी बचा हुआ है। वेट वेट वेट, एक काम करते हैं ना झूले के यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उधर से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्लीन कितना कर रहा हूँ कितना नहीं, यहाँ से करूँगा एटलीस्ट मेरे को आइडिया रहेगा। ठीक है वाह ये क्या मस्त तरीके से क्लीन होने वाला है, अभी देखते जाओ। थोड़ा सा एरिया स्प्रेड कर लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है, ये देख रहे हो पूरा मॉस कैसे जम रहा है इधर ग्रीन ग्रीन। यहाँ पर येलो वाला ही मेरे को मारना पड़ेगा तभी ये एक बार में हटेगा, तो फटाफट से। ओ वेट एक मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ा प्रेशर भी चेंज कर सकता हूँ, आई मीन अगर यहाँ पर मैं प्लास्टिक क्लीनर लगा दूँ तो शायद ये फास्ट हो जाए। यप ये फास्ट हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फ्रंट फ्रंट से नहीं ऊपर नीचे हर तरफ से मुझे क्लीन करना पड़ता है, तो यही चीज ज्यादा टाइम लेते है। ये देखो बैक साइड बहुत गंदी थी। ओके तो स्लाइड पूरी क्लीन हो गई है, अब बाकी सारा ये जो वुड बचा है इसको करना क्लीन स्टार्ट करते हैं। वुड क्लीनर लगाया और काम शुरू, 3 2 1 लेट्स गो प्रॉपर। वेट वेट
इसको अगर मैं थोड़ा मैन्युअली आराम आराम से कर, ओ नहीं बहुत टाइम जाएगा, ऐसे करते हैं। यार ये चूल्हा तो बहुत ज्यादा साफ है, पता नहीं यहाँ पर ऐसी क्या आंधी बारिश आई है जो इधर इतनी गंदगी हो गई। मतलब पानी मारते जो चमक आ रही है ना, ये देखो ये कैसा था यहाँ पर, देखो कितनी गंदगी थी और जो जगह क्लीन हुई है वो कितनी मस्त हो चुकी है। वेट, अच्छे से क्लीन कर दिया। कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए मुझे ये मारना पड़ेगा ताकि सारे कॉर्नर अच्छे से, जो भी बचे कुछ है ना, जैसे ये देखो ये सारे साइड में रह रहे हैं, ये कर देता हूँ अच्छे से सारे। ये वाला रह रहा है, ये भी हो जाएगा यहाँ से। टॉप प्रूफ वगैरह तो भाई साहब इसी से करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से प्यार से क्लीन करता है एकदम स्ट्रेट। लेट्स गो गाइस, तो पूरी की पूरी रूफ तुम्हारे भाई ने एकदम मस्त चमका दी है। अब शायद यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं बची है, थोड़ी बहुत रह रही थी तो ये भी हो जाएगी, इतनी चलती है वैसे। खैर ठीक है, बट अभी पूरा जो ये वाला एरिया है ये सारा का सारा रह रहा है यार। कोई नहीं, काम स्टार्ट करते हैं, काम नहीं रुकना चाहिए, तभी ये कंप्लीट होगा। तो अंदर से पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है और 38% काम डन हो गया, जिसे देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। क्योंकि समझ लो 38 जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है 40 के, और 40 बहुत ज्यादा क्लोज है 50 के, और 50 यानी आधा काम मैं खाली पीली अपने आप को खुश कर रहा हूँ। काम कंटिन्यू करते हैं, अब मुझे बाहर का एरिया क्लीन करना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से क्लीन करता आता हूँ। अच्छी बात है कि ये वाली जो डस्ट है ना, मतलब ये जो भी कीचड़ सा मिट्टी विट्टी जो चिपकी हुई है, ये बहुत अच्छे से निकल जा रही है। मेरे को डबल डबल टाइम एक ही एरिया पे पानी नहीं डालना पड़ रहा। खैर यहाँ पर ये सीसो है, बड़ा सस्ती क्वालिटी का है, बट कर देते हैं इसे भी क्लीन। तो फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे बाद मैंने इस झूले को क्लीन कर दिया है, बट इसका जो फ्लोर है ना, आप लोग देख पा रहे हैं, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी डस्ट रह गई है। तो इन्हीं फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं यार जल्दी से। तो चलो गाइस, फाइनली सफाई करते करते मुझे पूरे के पूरे 1.5 घंटे और बीत चुके हैं और मैंने इस पूरे के पूरे प्लेग्राउंड को क्लीन कर दिया है। बस आज के लिए बहुत है, मैं और सफाई नहीं करने वाला और ना ही मैं कर सकता हूं अभी। बाकी यार आपको अगर आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालनी चाहिए। वैसे मुझे मालूम है GTA का वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बट यार उस पर काम चल रहा है, जल्दी वीडियो आ जाएगा और बढ़िया वीडियो आएगा। बस आप लोग इस वीडियो पे जाके अपने एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.